बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे लेसन नंबर 142। आज का टॉपिक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। इस वीडियो में हमने देखना है कि प्रोनाउन होता क्या है और इसकी टाइप्स कौन सी हैं। आइए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में कहा जाता है इसम ज़मीर। किसी भी नाउन की जगह, किसी भी इस्म की जगह, किसी भी नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को इसम ज़मीर या प्रोनाउन कहा जाता है। अब यहाँ पे दो पैराग्राफ हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं क्या है। अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली सुबह सवेरे उठता है। अली इज अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय, अली एक शरीफ और वेल मैनर्ड लड़का है। अली हैज़ अ राउंड फेस विद ब्राउन हेयर एंड आइज, अली ब्राउन बालों और आइज के साथ गोल चेहरा है। अली गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माय बर्थडे, अली मुझे मेरी सालगिरह पर शानदार तोहफे देता है। अब इस पैराग्राफ में देखें, अली एक अच्छा लड़का है, अली सुबह सवेरे उठता है, अली एक शरीफ लड़का है, अली का चेहरा ऐसा है, अली मुझे गिफ्ट देता है। देखिए, इस पूरा पैराग्राफ में बार बार अली का नाम आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे पैराग्राफ में देखें, अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे उठता है। ही इज अ जेंटल एंड वेल मैनर्ड बॉय, वो एक शरीफ और वेल मैनर्ड या सलीके वाला लड़का है। ही हैज़ अ राउंड फेस, उसका गोल चेहरा है, विद ब्राउन हेयर, ब्राउन बालों के साथ, एंड आइज और आंखों के साथ। ही गिव्स मी वंडरफुल गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, वो मुझे मेरी सालगिरह पर शानदार तोहफे देता है। इस पैराग्राफ में बार बार अली लड़का है, अली उठता है, अली अच्छा है, अली का चेहरा ऐसे है, अली मुझे देता है, बार बार अली का नाम मैंने लिया। लेकिन इस पैराग्राफ में मैंने बार बार अली का नाम देने की बजाय मैंने यहाँ पे यूज़ किया ही, 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 ही। मैंने बार बार अली का नाम नहीं लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार नाम लेने की बजाय हमने इस्तेमाल किया प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में और इस पैराग्राफ में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे अली का नाम बार बार लिया गया है और यहाँ नाम लेने की बजाय हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया। अब उस पैराग्राफ को ज़हन में रखें आप, और आप तारीफ को समझें कि किसी भी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। मैंने अली 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 की जगह ही यूज किया, वो जो ही है वो नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ, अली की जगह, वो ही क्या है? वो प्रोनाउन है। अब बात आती है कि प्रोनाउन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ताकि एक ही बयान में नाउन को या उस इस्म को या उस नाम को बार बार लिखना या बोलना ना पड़े। हमने उस पैराग्राफ में अली 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 बार बार बोला, उससे बचने के लिए हमने अली की जगह ही यूज कर लिया, इसलिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब इंग्लिश में डेफिनेशन देखें, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, एक प्रोनाउन एक लफ्ज होता है, दैट रिप्लेसेस अ नाउन, जो एक नाउन की जगह लेता है, जो एक इस्म की जगह लेता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन एक लफ्ज है, विच इज यूज, जो इस्तेमाल होता है, इंस्टेड ऑफ अ नाउन, एक नाउन की बजाय। क्यों होता है? टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन, उसको बार बार दोहराने से बचने के लिए, ठीक है। प्रोनाउन एक लफ्ज है जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है, ताकि उस इस्म को बार 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 ना लिखा जाए। अब प्रोनाउन की एग्जाम्पल्स क्या हैं? आई, वी, ही, शी, इट, दिस, दैट, यू, योर, हु, व्हाट, व्हेन, हिज, हिम, देम, हूएवर, एनीवन, समथिंग, नोबॉडी, मायसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे प्रोनाउन्स की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोनाउन्स को आगे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आई, वी, ही, शी, इट क्या है, दिस, दैट क्या है, हु, व्हाट, व्हेन क्या है, एनीवन, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये क्या है, इनको समझने के लिए इन प्रोनाउंस को आगे
मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम किया गया है। अब हमने प्रोनाउन आपको समझ आ गई, अब हमने देखना है कि टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है जी। उससे पहले प्रोनाउन की मैंने कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी हैं। अली इज अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। तो अली की जगह मैं अब यहाँ पे प्रोनाउन लगाना चाह रही हूँ, मैं कहूँगी ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। मैंने अली का नाम यहाँ पे दोबारा नहीं लिया, प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया ही। नेक्स्ट है सना इज अ गर्ल, सना एक लड़की है, सना नाउन है ना, फिर हम कहेंगे शी इज अ गर्ल, वो एक लड़की है। अब सना की जगह प्रोनाउन लगा दिया शी, ठीक है। सना एंड अली आर फ्रेंड्स, सना और अली दोस्त हैं, तो यहाँ पे दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। अब सना और अली दोनों नाउन्स को कंबाइन करके उनके लिए प्रोनाउन लगा दिया दे, ठीक है। गर्ल्स आर राइटिंग लेटर्स, लड़कियां खत लिख रही हैं, दे आर राइटिंग लेटर्स, वो खत लिख रही हैं। तो यहाँ पे गर्ल्स जो है प्लूरल में है, तो इस तरह हम यहाँ पे दे यूज करेंगे, लड़कों के लिए भी दे और लड़कियों के लिए भी दे ही यूज होता है। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। सना एंड आई आर फ्रेंड्स, सना और मैं दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। बुक इज न्यू, किताब नई है, इट इज न्यू, ये नई है। अब बुक नाउन है, ठीक है, किसी भी चीज या जानवर का हमने जब यूज करना है प्रोनाउन, वो हम करेंगे इट, ठीक है। कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है, इट इज अंडर द टेबल, ये टेबल के नीचे है। अब यहाँ पे आपने किसी भी चीज या जानवर के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो है इट, किसी लड़के के लिए जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो है ही, लड़की के लिए शी, ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अभी आपको ये समझो कि नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो रहे हैं लव्स, उनको कहा जाता है प्रोनाउन्स। यही शी दे वी इट, ये क्या है, ये प्रोनाउन्स है, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 9 टाइप्स, प्रोनाउन की 9 किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? पर्सनल प्रोनाउन्स, पर्सनल पर्सनल प्रोनाउन्स, पोजेसिव प्रोनाउन्स, पोजेसिव प्रोनाउन्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स, रिलेटिव प्रोनाउन्स, एम्फेटिक प्रोनाउन्स, एम्फेटिक प्रोनाउन्स, एम्फेटिक प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स, इनडेफिनेट प्रोनाउन्स, इंटरगेटिव प्रोनाउन्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स, रेसिप्रोकल प्रोनाउन्स, ठीक है। ये 9 टाइप्स हैं। अब इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी और इनकी एग्जाम्पल्स बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन सबको हम वन बाय वन करके डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है जी फ्रेंड्स। सबसे पहला आ जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? एक पर्सनल प्रोनाउन लोगों या चीजों की जगह लेता है, ठीक है, लोगों या चीजों के नाम की जगह जो इस्तेमाल होता है उसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, लोगों और चीजों, या आप ये भी कह सकते हो किसी फर्द या चीज के नाम की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को, लव्स को, वर्ड को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ पीपल और थिंग्स, एक पर्सनल प्रोनाउन जो है ये लोगों और चीजों की जगह लेता है, या आप कह सकते हो अ पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स अ स्पेसिफिक पर्सन और ऑब्जेक्ट, कि पर्सनल प्रोनाउन एक खास शख्स या चीज के बारे में बताता है, या ग्रुप ऑफ थिंग्स या चीजों के ग्रुप के बारे में डायरेक्टली बराह रास्त। अब एग्जाम्पल्स क्या है, इनमें आ जाते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम, एटसेट्रा, ठीक है, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। इनको इंशाल्लाह डिटेल के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। अभी आप इनकी डेफिनेशन याद करो और इनकी एग्जाम्पल्स याद करो। नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये मलकियत को जाहिर करता है, ये कब्जे को जाहिर करता है,
ठीक है। अ पोजेसिव प्रोनाउन शोज पोजेशन, पोजेशन कहा जाता है मलकियत, कि पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये मलकियत को जाहिर करता है। या पोजेसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन है विच शोज ऑनरशिप, जो मलकियत दिखाता है टू समवन और समथिंग इन द सेंटेंस, जुमले में किसी शख्स की या किसी चीज की, ठीक है। जैसे माई योर माइन हिज योर्स हर इट्स हर्स आवर देयर देयर्स आवर हुज एटसेट्रा। जैसे आप कहते हो ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, ये उसका पेन है, ये मेरी मेज है, ये मेरी बुक है, ये मेरा बेड है, ये उनका बेड है, ये मेरा पंखा है, ये तुम्हारा पंखा है, मेरा तुम्हारा हमारा, ये सारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। उसका उसकी उनका उनके, इनमें क्या है, ये वर्ड्स जो है ये मलकियत जाहिर करते हैं, इनको कहा जाता है पोजेसिव प्रोनाउंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फ्रेंड बाज दफा किसी फर्द या चीज का नाम लेने की बजाय हम सिर्फ उसकी तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। और इशारा करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक बुक पड़ी हुई है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बुक मेरी है, मैं उसका नाम नहीं ले रही, मैं उसका नाम लेने की बजाय कहूंगी ये मेरी है। अगर दूर पड़ी है तो मैं कहूंगी वो मेरी है, ये मेरे हैं, वो मेरे हैं। तो फ्रेंड हम उन चीजों का नाम लेने की बजाय उनकी तरफ इशारा करते हैं, और इशारे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे उनको कहा जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जुमले के अंदर किसी खास चीज की निशानदेही करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी खास चीज के बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन होता है दैट इज यूज टू पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक, जो इस्तेमाल होता है किसी खास चीज को इशारा करने के लिए या उसकी निशानदेही करने के लिए विद इन अ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर, ठीक है। अब इनकी एग्जाम्पल्स में क्या है, दिस दैट दीज दोज नन नीदर एटसेट्रा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। जी फ्रेंड नेक्स्ट आ जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस। जो अल्फाज प्रोनाउन का काम भी दें, ठीक है, यानी नाउन की जगह भी आए या इस्म की जगह भी आए, और एक जुमले को किसी दूसरे जुमले के साथ मिलाने का काम भी दें, उन्हें कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, अ रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज, कि एक रिलेटिव प्रोनाउन जो है एक क्लॉज को मुतारिफ करवाता है, दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो एक नाउन को बयान करता है, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हो रिलेटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं दैट ज्वाइन रिलेटिव क्लॉजेस एंड द रिलेटिव सेंटेंसेस, जो रिलेटिव क्लॉजेस और रिलेटिव जुमलों को जोड़ता है, ठीक है। जैसे दैट, विच, हु, हुम, हुज एटसेट्रा। नेक्स्ट है एम्फैटिक प्रोनाउंस। एम्फैटिक प्रोनाउंस किसी प्रोनाउन को ज्यादा जोरदार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन, ठीक है। एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज पेयर्ड, कि एक एम्फैटिक प्रोनाउन को जोड़ा जाता है विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन, एक दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, टू एम्फसाइज इट, उस पर जोर डालने के लिए, ठीक है, उसको जोरदार बनाने के लिए उसे कहा जाता है एम्फैटिक प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल्स, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इस बात की इजहार के लिए कि फलां शख्स ने या फलां चीज ने फलां काम खुद किया, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पहले जो मैंने आपको अभी बताया पिछला एम्फैटिक प्रोनाउंस, उनकी और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल सेम है,
लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ये मैं आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन है, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज पेयर्ड, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जोड़ा जाता है विद एन अदर नाउन और प्रोनाउन, एक दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ, टू शो, दिखाने के लिए, इट इज एक्टिंग, कि ये कर रहा है, ऑन इट सेल्फ, खुद, कि ये खुद काम कर रहा है, ठीक है, ये दिखाने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट आ जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इन प्रोनाउन से मुराद कोई खास शख्स, अशखास या चीजें नहीं, बल्कि अमूमियत के साथ उनका जिक्र मकसूद होता है, ठीक है। इन प्रोनाउन का क्या होता है कि किसी भी चीज या शख्स को उसे खास नहीं बनाया जाता, बल्कि आम बनाकर उनका जिक्र किया जाता है आम अल्फाज के साथ, और वो जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। एंड इनडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर्स टू अ पर्सन और अ थिंग, कि एक इनडेफिनेट प्रोनाउन जो है वो एक शख्स या चीज का बताता है विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, उसे खास किए बगैर, ठीक है, उसे आम करके उसके बारे में हमें बताता है, उसको स्पेसिफिक नहीं करता, उसे कहा जाता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे एनीवन, समबॉडी, विच एवर, हूएवर, अदर, समथिंग, नोबॉडी, एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें कहा जाता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, कि एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल में व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, उर्दू में क्या, कैसे, किसको, किसकी, किनको, ये जो लफ्ज हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। क्यों? क्योंकि इनके जरिए सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। फ्रेंड, बाहमी अमल या ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड, कि एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस अ म्यूचुअल एक्शन, एक बाहमी अमल जाहिर करने के लिए और रिलेशनशिप या ताल्लुक जाहिर करने के लिए, ठीक है। एक दूसरे के साथ अमल क्या है या एक दूसरे के साथ ताल्लुक क्या है, उनको जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनके एग्जाम्पल में आ जाता है ईच अदर और वन अनदर, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। मैंने आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जाम्पल सिर्फ दी हैं। आगे इनको डिटेल के साथ ना एक एक करके मैं सारी समझाऊंगी। अभी आप इनको सिर्फ समझो ये क्या है, ठीक है, इनकी एग्जाम्पल्स देखो ये कौन से हैं, फिर इंशाल्लाह ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो जुमलों के अंदर इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये आने वाली वीडियोस में एक एक करके आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।